कोरोना वायरस को पहचानने और उससे लड़ने के लिए दोस्तों हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर्स कई सारे तरीके अपना रहे हैं, एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं, पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोरोना पकड़ में नहीं आ रहा और खतरा हमारे उन स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो कोरोना का टेस्ट करते हैं। लेकिन अब खुशखबरी यह है कि हमारे देश के वैज्ञानिक एक ऐसा डिवाइस तैयार कर रहे हैं जिससे कोरोना पकड़ में भी आ जाएगा और हमारे डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को कोई खतरा नहीं होगा। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ये दोस्तों बेंगलुरु में है और बेंगलुरु के हमारे वैज्ञानिक खांसी और सांस की आवाज से पैदा होने वाली तरंगों से अब कोरोना को जांचने का एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं। इस डिवाइस को दोस्तों जैसे ही मंजूरी मिलेगी हमारे डॉक्टर्स कोरोना का इससे टेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डॉक्टर्स को कोरोना संक्रमित होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा और हम हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को बचा पाएंगे। इस डिवाइस से हमारे डॉक्टर्स जो टेस्ट करेंगे उसके रिजल्ट्स भी जल्दी आएंगे। IISc के वैज्ञानिक इसके अलावा दोस्तों ध्वनि विज्ञान यानी कि साउंड साइंस की मदद से अब कोरोना संक्रमण के बायोमार्कर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक जांच के लिए इस बायोमार्कर की मात्रा निर्धारित करना है। जैसे ही बायोमार्कर तय हो जाएगा ये पता चल सकेगा कि बीमार व्यक्ति की सांस और खांसी की आवाज सामान्य और सेहतमंद व्यक्ति से कितनी अलग है। IISc के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि कोरोना के मामले हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए हमें काफी सरल, किफायती और तेजी से जांच करने वाले डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इस डिवाइस के आने के बाद हम इस काम को काफी आसानी से कर सकेंगे। दोस्तों कोरोना के लक्षण में गला खराब होना भी है और सांस संबंधी बीमारियां भी हैं। 8 वैज्ञानिकों की IISc की जो टीम है वो सांस संबंधी बीमारियों के तहत बायोमार्कर का पता लगाएगी और इसी ध्वनि विज्ञान के आधार पर वो इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोरोना की जांच करेगी।